लेकिन एक ऐसा वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ। यूँ ग्राउंड बड़ा था ना यहाँ पर, तो लोग गिल्ली डंडा खेल रहे होते थे जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं जाके खड़ा हो गया वहाँ। तो मैंने किसी को बोला कि अगर गिल्ली दूर जाएगी ना, तो चूंकि मुझे बड़ा शौक था फील्डिंग करने का, बहुत थ्रो विरो मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसको बोला कि जब दूर जाए ना मुझे देना, मैं फेंकूंगा। चूंकि ये ग्राउंड एक ऐसा था बिल्कुल खाली, तो एक टाइम ऐसा आया कि जब वो हुआ तो मैं उसने कहा कि अजर फेंको, तो मैंने जो है ना गिल्ली ली। वो चूंकि वहाँ से गुजर भी लोगों का हो रहा था काफ़ी, तो एक दूध वाला वहाँ से जा रहा था, दो बाल्टियाँ उसकी थी, शुक्र है कि खाली थी वो। तो मैंने जब थ्रो वहाँ से की तो उसकी एयर में घूमती हुई गिल्ली उसकी इस जगह पे जाके लगी। मैं वो गिर गया बकायदा, और मैं भाग के इसी दरवाजे से घर में आके स्टोर में छुप गया। हाय। और छुप गया, तो वहाँ के फादर आ चुके थे उस वक्त, तो उसके यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, आँखों पे ज़ाहिर नहीं लगी थी। तो खैर वो लड़कों ने बता दिया उनको, जब उस दूध वाले ने कहा तो बता दिया ये घर है और यहाँ रहते हैं, ले क्या है वो। अब मैं छुपा हुआ हूँ घर में, हालत मेरी बुरी। वाले साहब चूँकि कंपाउंडर, मैंने जैसे कहा हमारे पास सारे कुछ तो मौजूद होता था, चीज़ें लो जी, तो यहीं पर आगे इलाज के लिए भी वो। उन्होंने उसी वक्त जो है जी हाँ इन्हीं के बेटे ने आँख फोड़ी, इन्हीं के पास जो है इलाज के कराया। तो उन्होंने जो है कहा कि ठीक है ठीक है, उसके पहले वर्म पट्टी थी यहाँ पर सारा, तो डैमेज नहीं हुआ था। फिर मुझे हाथ से पकड़ के स्टोर से लेके उसके हवाले किया कि इसको पुलिस में दे दो आप। बने अब बने, और मेरा जो हाल होगा आप समझ लें क्या हाल था मेरा रोने का। खैर वो तो उसने मुझे कहा कि फादर को मेरे कहा कि बाबा जी कोई बात नहीं, आपने कही क्योंकि उसको मरम पट्टी हो गई, ज़रा सुकून मिल गया वन। तो खैर बहरहाल वो एक ऐसा मौका था जब मैं समझ लें कि फिर उसके बाद आपने कितनी आँखें फोड़ी। मैंने आँखें तो नहीं, विक्टें ज़रूर फोड़ी थी उसके बाद, लेकिन डेफिनेटली जो ये टाइम गुजरा था मेरा बहुत ही मतलब ऐसा था कि मुझे एहसास नहीं था किसी चीज़ का। रिबेलियस होते थे, कभी सोचते थे मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे कुछ बड़ा करना है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, सोचता हर आदमी है, बट मैं इस प्रोफेशन के उसमें बहुत था, और मैं बस सोचता था कि मुझे अच्छा प्लेयर बन जाऊँ। तो ये जो लाइफ में आपकी इतना बड़ा शिफ्ट आया था कि एकदम से फ्रॉम नोबडी टू समबडी एंड समबडी सो बिग, एंड आपको ये कब एहसास हुआ कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं? सबसे पहले आपको किसने एहसास दिलाया? मैं जब एक क्लब था पंजाब क्रिकेट क्लब, तो उस वक्त मैं जो है वो उनके यहाँ से खेलता था। अब खेलते का लव ज़रूर सही है, लेकिन आपको पता ही एक टीम होती है, तो मैं और एक मेरा दोस्त जमशेद जो नहीं, मगर मैं मोहल्ले की बात कर रही हूँ कि आपको तब कब पता चला कि आप अच्छा खेलते हो, कि आप टीम में जा सकते हो? नहीं, उस वक्त तो मुझे खुद भी नहीं और किसी ने भी ऐसा सच नहीं था, लेकिन कहते थे यार तुम अच्छा खेलते हो। हाँ। तुम अच्छा खेल, बट ये एक मोहल्ले की क्रिकेट एक ऐसा नहीं था कि जो कुछ मैंने पाया वो ऐसे नहीं सोच सकता था मैं कि मुझे ऐसे एकदम जल्दी से मिल जाएगा। मतलब विद इन 3 डेज में मैं एक गली की क्रिकेट से लेके जो है क्लब क्रिकेट में गया, और क्लब क्रिकेट से उठ के एकदम। और फिर जब आपने मैच खेला तो 15वीं बॉल पे आपने कमाल कर दिया, 15वीं बॉल जी हां, ओवर की थर्ड बॉल में, वो कहानी हमें सुनाए आप। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे कोई आदमी जो है स्टेडियम तक ले गया, और फिर ले जाके जावेद मियां दाद और मुश्ताक मोहम्मद जो उस वक्त कोच थे उनसे मिलवाया। और जबकि मेरे पास, मैं बताऊं, मेरे पास शूज़ तक नहीं थे, मेरे पास जी ये भी नहीं थे। ओवरनाइट आपका सामान तैयार किसने किया? जी हाँ, मुझे मलिक रियाज साहब मेरे क्लब के जो ऑनर थे, उन्होंने रातों रात 2 किटें सिलवा के दी जब ये सब कुछ रातों रात हो गया, रातों रात ऑनेस्टली, और मैं सुबह वही पहन के खेला था। सो आपका जो लुक था वो किससे इंस्पायर्ड था? ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं थे कटवाने के लिए, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं जो है बाल मेरे जरा कर्ली बाल थे। हाँ जी। तो मुझे अच्छा फील होता था। अच्छा कि आपने बता दिया, मॉडेस्टी इसमें नहीं दिखाई आपने। लेकिन इसीलिए मुझे एक सिंगर है लायनल रिची, उसकी मुशाबहत से कहते हैं अगर उनकी पिक्चर देखें, और मुझे तो मुझे सुनील गावस्कर जो इंडिया प्लेयर थे वो मुझे इस नाम से लायनल के नाम से पुकारते थे।
तो मैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कौन है। हाँ। उन्होंने बताया तुम्हें मालूम है ऐसा, मैंने कहा हाँ जी नहीं मुझे नहीं मालूम। बोले एक ऐसा ऐसा सिंगर, फिर उन्होंने मुझे बुक में जब इंडियन टूर पे हम 87 में थे तो उन्होंने बताया कि ये है, तो थोड़ी मुशावत शायद मिलती होगी डेफिनेट।